थाना क्षेत्र रामनगर अंतर्गत बीते रात विक्रम गौतम पुत्र गजोधर ग्राम तेलवारी निवासी की धारदार नुकीले हथियार से गोदकर हत्या कर दी गई, जिनका शव ग्राम अमोली हिसामपुर के पास तेलवारी निवासी पल्टर के द्वारा देखा गया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। घटना स्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक पुणेंद्र सिंह ने भारी पुलिस बल व डॉग स्क्वाड टीम के साथ पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक लिखा पढ़ी करने के पश्चात शव को पीएम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि ग्राम तेलवारी निवासी नवमी लाल राम प्रताप विजय संतोष राजू व शाहपुर निवासी सरकार से रास्ते को लेकर विवाद हुआ था, उन्होंने ही मेरे पति की निर्मम हत्या की है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। किस गांव में रहती हूँ? क्या मामला है? क्या घटना है? घटना क्या है? घटना भैया सास का मारे अच्छा कब मारा था? आज 8 दिन में अगले मंगल का मारे। उसकी शिकायत की थी थाने पर? हाँ, करे रहा तो हमारा सुनवाई नहीं भाई है। अच्छा, आज क्या घटना हो गई? आज घटना भाई है साहब, हम नहीं जाने थे कैसे घटना। हम लाश मिली है, लाश मिली है। वो आपके कौन है? इनका पति आए हमारे। आपके पति? हाँ। तो आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी साहब दवा जात रहा। क्या नाम है इनका? बलटर। अच्छा अच्छा अच्छा, जाते देखी नहीं है तो बताई नहीं है तो हमारे भाई से बताई नहीं तो भाई हमारे फोन हमारे लगे करे से कि दीदी तुम टाड़ पर काओ तो हम हमारे साइकिल से मरदानी बिटिया गए तो देखे भैया हमारे फरे सड़क है। अच्छा, तो आपको किसके ऊपर शक है? शक है हम इनसे झगड़ा हुआ है। इनसे झगड़ा? उनका क्या नाम था? नवमीलाल राम प्रताप संतोष विजय राजू सरकार। ये कहाँ के निवासी हैं? गाँव के एक जने हमारा हाथ है शाहपुर सरकार, उनके लड़का उनके बाप का कुंड बिहारी। तो यहाँ रिलेशन में रहते हैं? हमारा ही तो नहीं आए हैं। अच्छा, वो रिश्तेदार हैं उनके? हाँ, रिश्तेदार हैं, नवमीलाल का बहन है। अच्छा, क्या मामला है, क्या नए तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं? थाना रामनगर के तेलियारी से परसिया जाने वाली सड़क पर सड़क खंती में एक युवक की लाश मिली है, जिसके सर की चोट है। वह युवक गाँव का ही रहने वाला विक्रम गौतम है और इसके सर की जो चोट है उससे इसकी मृत्यु होना पाया जा रहा है। मौके का घटनास्थल निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया, एजेंट द्वारा इसमें साक्ष संकलन किया गया है और सर्विलांस द्वारा इसमें मौके के डंप उठा लिए गए हैं। CDR की भी इसमें व्याख्या की जाएगी। इनका जो परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई उसमें मुकदमा इनका दर्ज कर लिया गया। उन्होंने गाँव के ही 5-6 लोगों पर संदेह जताया है, उन लोगों को तलब करके उनसे पूछताछ की जा रही है। सारी बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए गई हुई, सामने पोस्टमार्टम हो जाएगा, विवेचना करके जो विक्रम कार्रवाई होगी।